अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम मदीना। और आज का मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली हमारे व्लॉग बनते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, टूर के ऊपर, लेकिन आज का व्लॉग बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम मोटरसाइकिल के बजाय साइकिल के ऊपर सफ़र करेंगे। और साइकिल पे सफ़र किसके साथ करेंगे, क्या टूर है, उसकी ब्रीफिंग मैं अभी आपको थोड़ी देर में देता हूँ। तो चलते हैं कि हम यहाँ क्यों आए, तो फिर आपको बताते हैं। जी, ये मदीना का एक छोटा सा हमने टूर लेना है साइकिल के ऊपर, और हम मौजूद हैं अब्दुल अजीज़ पार्क मदीना में। और यहाँ से हमने राइड करते हुए जाना है मस्जिद कुबा तक। और ये सारा जो ऑर्गेनाइज हुआ है ये कामरान भाई आपने पिछले इंस्टाग्राम पे ऐसा देखा होगा काफ़ी। तो ये आए हुए हैं, बहुत कर रहे हैं, और अभी वो मदीना में हैं, तो उनके एजाज़ में आज हम मिलकर एक राइड कर रहे हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग डिफरेंट होगा, लेकिन आपको पसंद आएगा। तो इस व्लॉग में हम साइकिल के ऊपर मदीना का टूर करेंगे और रोड्स पे साइकिल चलाएंगे और आपको दिखाएंगे। रमज़ान है, रोज़ा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आज वेदर अच्छा है। देख रहे हैं आप, हवा चल रही है, कल बारिश हुई थी, वेदर अच्छा हो गया था, अभी भी थोड़े थोड़े क्लाउड्स हैं। उम्मीद है आगे चल के हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा, हम शेयर करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम, टूर हमारा स्टार्ट हो गया है। कैमरा गियर सेट करते करते मैं सबसे पीछे रह गया हूँ, सब लोग निकल गए हैं, और अब मैं तेज़ पैडलिंग करता हुआ जा रहा हूँ, उनको कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आई होप ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा व्लॉग और कुछ नया देखने को मिलेगा। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सफ़र का आगाज़ हो गया है, मैंने इनको कैच कर लिया है। ओह, साइकिलिंग की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक ज़माने में साइकिलिंग करता था, लेकिन अब साइकिलिंग नहीं होती। हो सकती है, प्रैक्टिस की बात होती है, कभी आपने साल में एक दफ़ा चलानी है तो टफ हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर आप रोज़ साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो फिर ये कि आपके लिए साइकिलिंग इतनी मुश्किल नहीं होती। ओ, हेड विंड लगनी शुरू हो गई है। जब हम आ रहे थे तो विंड नहीं थी, हमें सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब हेड विंड है। गियर डाउन करें थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी साइकिल चले, सही पैडलिंग में जान लग रही है। भाई सलाम है जो लोग सामान ले के साइकिल के ऊपर वर्ल्ड टूर करते हैं। मोटरसाइकिल पे तो टूर करना बहुत ही आसान है साइकिल की नस्बत, और गाड़ी पे तो शायद उससे भी ज़्यादा आसान है। तो सांस फूल गई है, लेकिन इंशाल्लाह ये 5-10 मिनट की बात होती है, उसके बाद हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है, हर चीज़ अपनी जगह पर आ जाती है। अब यहाँ से हमने करना है लेफ़्ट जाना है और रोड क्रॉस करनी है, तो हम पहले यहाँ एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं ताकि सारे एक जगह जमा हो जाएं, और उसके बाद फिर जो है हम इकट्ठे रोड क्रॉस करेंगे। ओके ओके ओके, क्रॉस द रोड। फाइनली जी, हम टर्निंग पर पहुँच गए, रोड क्रॉस कर रहे हैं, हम लोग यू टर्न ले रहे हैं। थोड़ा सा रूट हम लोगों ने चेंज किया है, एक शॉर्ट रूट भी था हमारे पास, लेकिन अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि शॉर्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, तो उसका हमने थोड़ा सा लंबा किया है। कामरान भाई अपनी वीडियो शूट भी कर रहे हैं और साइकिल राइडिंग भी कर रहे हैं, एक हाथ में उन्होंने गोप्रो पकड़ा हुआ है। देखिए, इन्होंने तो टर्बो लगा लिया है, हम टर्बो नहीं लगा सकते, हमारा रोज़ा है, रोज़ा टूट जाएगा। वैसे हम गाड़ी वगैरह पे गुजरते हैं तो एक चीज़ नोटिस नहीं की कभी भी हमने, मेरे जो उल्टे हाथ पे आपको दरख्त लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये यार ये बेर के दरख्त हैं, और इन पे बहुत सारा बेर लगा हुआ है। अभी ये बेर रास्ते में गिरा हुआ था तो मेरी नज़र पड़ी, ये तो बेर है, और फिर जब देखा तो पता लगा ये सारे बेर के दरख्त हैं, इनके ऊपर बेर पूरा पक चुका है और यहाँ पे लगा हुआ है। देखें, गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे गुजरते हुए ये चीज़ कभी नज़र नहीं आई, कभी नोटिस नहीं किया। अब इसका मतलब तो ये कि गाड़ी साइड पे लगा के देना किसी दिन,
दरख से बेर तोड़ के खाने पड़ेंगे। आई होप रमज़ान तक रहेंगे, रमज़ान के बाद ये वाला एडवेंचर करेंगे, बेर खाएंगे। पाकिस्तान में तो मशहूर है ना, जिस घर में बेरी होती है पत्थर तो आते ही हैं, तो हम भी यहाँ पर देना दरख्तों से पत्थर मार मार के ना बेर तोड़ के जमा करेंगे, शेयर करेंगे आपसे भी इंशाल्लाह। अभी तो सबसे पीछे मैं रह गया हूँ, सुस्ती का और फिटनेस का ये आलम है, तो तेज़ पैडलिंग करते हैं और आगे वालों को कैचअप करते हैं। फाइनली भाई वापस ग्रुप को मैंने ज्वाइन कर लिया है, चढ़ाई है, सबकी स्पीड स्लो हुई हुई है। अभी हमारी स्पीड 35 किलोमीटर दिखा रहा है मीटर इसका, साइकिल में एक छोटा सा मीटर लगा हुआ है, 37-38 दिखा रहा है, थोड़ा सा स्लो पे शायद। आउच, लोग हॉर्न मारते हुए जा रहे हैं हमें। कैसी जा रही है कामरान भाई साइकिलिंग आपकी, कैसी जा रही है आपकी, मौसम अच्छा है आज की साइकिलिंग के लिए? ये ड्राइव करते हुए मोबाइल निकालना 500 रियाल का मुखालफा है, नहीं साइकिल पे नहीं है। फाइनली जी मस्जिद कुबा आ गई है, ये मस्जिद कुबा है आपके सामने और ये हम कुबा स्ट्रीट में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा जी फोटो सेशन हो रहा है, कामरान भाई अपने कैमरे से सबकी हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ ले रहे हैं, हमारी जर्नी यहाँ पर एंड होती है। चलें जी देखते हैं अब हमारा अगला क्या प्लान है, यहाँ तो पहुँच गए हैं, फ़ोटो सेशन हो गया है, इसके बाद आगे आई थिंक मज़ीद प्रोग्राम है, तो वो जैसे ही शुरू होता है तो हम दोबारा आपको दिखाएंगे कि क्या होने जा रहा है। फाइनली जी यहाँ से हम निकल रहे हैं, नेक्स्ट प्लान जो है वो हरम जाने का है, तो हम यहाँ से निकल के अब हरम की तरफ जा रहे हैं। और ये आया स्पीड ब्रेकर, सब कुछ हिल गया। असर के बाद से यहाँ रौनक बढ़ जाती है और आखिर में तो रात को तो यहाँ चलने की जगह नहीं होती, ये इस्तकलाल स्ट्रीट बनी होती है। 3.5 किलोमीटर तकरीबन लंबी है हरम तक, ये कुबा से हरम तक, और साइकिल ट्रैक, पेडेस्ट्रियन ट्रैक, फूड ट्रक्स, फूड स्ट्रीट, हर चीज़ है यहाँ पर। रात को बहुत ज़्यादा रौनक होती है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी मस्जिद जुमा, हम मस्जिद जुमा रुके हैं जैसे एक फ़ोटो के लिए, अफ्तारी का टाइम करीब है, हमें हरम पहुँचना है टाइमली, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्विकली हम लोग जो है मस्जिद नबी की तरफ मूव करेंगे। सो चलते हैं। हाँ जी कुबा स्ट्रीट से हम लोग गुजर रहे हैं और आपको नज़र आ रही होगी कुबा स्ट्रीट बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है मदीना की, और स्पेशली पेडेस्ट्रियन के लिए तो बड़ी ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल आप अगर टर्की गए होंगे, इस्तकलाल स्ट्रीट गए होंगे तो वैसी नहीं है, लेकिन आपको एक सिमिलैरिटी नज़र आती है कि हर बंदा चल रहा है, गाड़ियाँ नहीं होती, सिर्फ साइकिलिंग, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह जो स्कूटीज होती हैं। यहाँ से मज़ीद रौनक वाला इलाका शुरू हो गया है क्योंकि यहाँ मार्केट्स, शॉप्स वगैरह, जैसे जैसे हरम के नज़दीक हम जाते जा रहे हैं तो चीज़ें ज़्यादा जो है बढ़ती जा रही हैं, रश बढ़ता जा रहा है, रौनक बढ़ती जा रही है। रमज़ान की वजह से अभी इस वक्त यहाँ पे रश नहीं है, अदरवाइज़ तो ये रश का टाइम होता है। ठीक देखें दुकानें शुकानें भी हैं यहाँ पर, और अगर अबाया लेना है तो अबाए के लिए यहाँ बहुत दुकानें हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, ये सारी आपको जो नज़र आ रही हैं ये अबाई की दुकानें हैं, कम से कम कोई 100 एक के करीब तो अबाई की शॉप्स होंगी यहाँ पर, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। ये देखिए जी कुछ दुकानों में रमज़ान और ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, रंगो रोगन हो रहा है, कुछ दुकानें अभी खुल रही हैं उनकी सफाइयाँ शफाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि यहाँ रमज़ान में जो भी एक्टिविटी होती है वो मगरिब के बाद शुरू होती है।
आप नोट कर रहे होंगे जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं रश बढ़ता जा रहा है। सलाम अलैकुम। जितने हाजी आते हैं यहाँ पर उम्रे पे हज करने ज्यारते करने, शाम को जो है ना वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं शॉपिंग वगैरह करने। थोड़ा सा आपको गहमा गहमी में इजाफा हुआ होगा क्योंकि अभी बिल्कुल हम हरम के पास आ गए तो यहाँ रश बढ़ गया है। और रात को तो आप यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता आप इतना फ्रीली साइकिल चलाएं क्योंकि इस कदर रश होता है। तकरीबन जी अब हम हरम के करीब पहुँच गए हैं। आपको होटल्स नज़र आ रहे होंगे जो हरम की सराउंडिंग में होटल्स हैं। कोई एक बंदा जो है सीटियाँ बजाता हुआ जा रहा है सबको अलर्ट कर रहा है क्योंकि अच्छा पीछे साइकिल आ रही होती है आगे जो जा रहा था उसको तो पता ही नहीं लगता ना आवाज़ ही नहीं होती तो इसलिए वो मुँह से सीटियाँ बजाता हुआ सबको अलर्ट करता हुआ जा रहा है। जी हम पहुँच गए घंटा घर पर। घंटे पे घंटे की आवाज़ तो नहीं आती। ये भाई सबसे आगे हैं वो अपने हाथ से सीटी बजा रहे हैं और सबको अलर्ट कर रहे हैं कि वो साइड पे हो जाओ। कुबा स्ट्रीट अपने अख्ताम को पहुंची। हमने कुबा ख़त्म कर ली है और अब हम दाखिल हो रहे हैं बिल्कुल हरम के एरिए में और एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत शदीद रश है इस वक्त। लोग मार्च कर रहे हैं हरम की तरफ रोज़ा खोलने के लिए तो शायद हमने डिसाइड किया कि हम पहले यहाँ रुक के जमा होते हैं और फिर आगे निकलते हैं। रश की वजह से और यहाँ इतनी पब्लिक है कि हमने डिसाइड किया कि हम हरम नहीं जाएंगे तो दूसरा रास्ता लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं। एहतियातन हम अब अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं। हम दूसरी डायरेक्शन में कहीं जा रहे हैं और फॉलो करना है हमने। छोटी सी बच्ची साइकिल पे जा रही थी। एक्चुअली हम अब वापस कुबा की तरफ जा रहे हैं। हरम तक जाना था लेकिन बहुत रश हो गया है तो डिसाइड ये किया कि हम हरम नहीं जा रहे। अब हम वापस टूवर्ड्स कुबा की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं अफ्तारी का क्या प्लान है। अफ्तारी में अभी हैं तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट हैं तो इनफ टाइम है हमारे पास कहीं भी पहुंचने के लिए। ये हम कुबा की जी दूसरी स्ट्रीट से गुजर रहे हैं। एक स्ट्रीट से हम आए थे ये उसी की पैरेलल है टूवर्ड्स हरम टू कुबा जा रही है। साइकिल तो बहुत चलाई है लेकिन मोटो व्लॉग के बाद साइकिल व्लॉग ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और अब तो मज़ा आ रहा है। शुरू में थोड़ा सा सांस वगैरह फूल रहा था और रोड भी थी गालिबन लेकिन ये कि अब मज़ा आ रहा है। एक तो डायरेक्ट सन नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर सूरज नहीं है उसकी तपिश नहीं है प्लस हवा भी चल रही है तो मज़ा आ रहा है। छोटी स्ट्रीट में शायद साइकिलिंग का ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू अगर बड़ी रोड पर राइड करें। छोटी सी घंटी भाई हमारे पास भी लगी हुई है इस पर हम शोर मचा रहे हैं अलर्ट दे रहे हैं लोगों को कि हम आ रहे हैं साइड पे हो जाओ। वैसे आपस की बात है रोड पे जब आप ग्रुप की सूरत में जा रहे हैं तो हल्ला गुल्ला करते हुए अपना ही मज़ा है। शोर मचाते हल्ला गुल्ला करते हुए अपना ही मज़ा आता है। जैसे मैं अभी घंटी बजा रहा हूँ कोई भी नहीं है लेकिन घंटी बज रही है। रोड क्रॉसिंग के मनाजिर भी आपको दिखा दें किस हिसाब से यहाँ पर कार्स आ रही हैं रोड क्रॉस कर रही हैं और यहाँ सिग्नल लगा हुआ है। जैसे ये सिग्नल ग्रीन हो गया गाड़ियाँ रुक जाएंगी और हम रोड क्रॉस कर लेंगे सुकून के साथ सेफली। ये देखें सब गाड़ियाँ रुक जाएंगी। ये यहाँ पर सर्विस है जो कुबा से आपको हरम तक लेके जाती है चार्ज करती है। खूबसूरत मनाजिर है कुबा का। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। निकल गए मेरे पीछे आपको मस्जिद कुबा नज़र आ रही होगी और अब हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है।
15 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट अफ्तारी में, तो फिर इंशाल्लाह अफ्तारी करते हैं और आपको बताते हैं अफ्तारी हम कहाँ कर रहे हैं। जी वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया था। डिसाइड ये हुआ है कि टाइम हमारे पास था तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हम लोग वापस स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं, और जैसे जैसे रोज़े का टाइम, अफ्तारी का टाइम करीब आता जा रहा है, प्यास की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, एनर्जी लेवल डाउन होता जा रहा है। ओ भाई मारने लगा था ये तो। उम्मीद है आपको आज की जर्नी हमारी साइकिल टूर जी मदीना आपको पसंद आया होगा। फाइनली जी हमारी राइड अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, हम वापस पार्क पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी बैटरी अपनी भी डाउन हो गई है और हमारे गोप्रो की भी डाउन हो गई है। ये मदीना का सबसे बड़ा पार्क है। नॉर्मली लोग अफ्तारी लेके इधर आ जाते हैं या कोई दावत वगैरह करनी होती है मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ ने, तो यहाँ पे अपनी अफ्तार लेके आ जाते हैं, कंबाइंड अफ्तार करते हैं। ठंडी बोतलें, ठंडा पानी, क्या रहा है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। So we did 16.27 kilometers today. Small ride, but it's very difficult because fasting. Like a tour. Oh, beautiful ride. Yeah. Thank you, brother. Thank you, everyone. Thank you. तो थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह रोज़ा खुल जाएगा, साइकिलें पार्क करते हैं, यहाँ आकर बैठते हैं, बैग वगैरह उतारते हैं, हेलमेट उतारते हैं ताकि थोड़ी सर पे भी हवा लगे। हमारा सीपीयू जो है ना इस वक्त हीटअप हो गया। रोड के ऊपर मैंने आपको बताया था बेर का, कि मुझे शक हुआ था कि ये ज़मीन पर बेर पड़े हैं, और ये मेरा शक जो है इस वक्त यकीन में बदल गया, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ रोज़ा है मेरा भी, मैं खा नहीं सकता, और ये बेरी का दरख्त है और आपको नज़र आ रहे होंगे ये देखें। चलें जी बैग पैक अपना उतारते हैं, हेलमेट उतारते हैं और अफ्तार के लिए बैठ जाते हैं। जी अजानें हो गई हैं, रोज़ा खुल गया, अल्लाह कसम तो हुआ देखा मुझे, हमारा दस्तखान लगा हुआ है, और यहाँ पर एक सबसे मज़े की चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये भी हम खाएंगे। सारे हंस रहे हैं मेरी इस हरकत के ऊपर। ये जी हमारे सामने है शोफान, और सूप भी कहते हैं इसको, वहाँ में इसमें गोश्त है और इसको हम खा रहे हैं इस ब्रेड के साथ, और ये बरामद हुआ है इस हांडिया से। हांडी का साइज देखें आप, इसी में पकता है और इसी में आ जाता है। फाइनली जी अफ्तारी हम लोग कर चुके हैं, और अफ्तारी के बाद नमाज पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हमारा सिलसिला शुरू हुआ है गावे का। ये जी हमारे पास है ग्रीन कावा, और इस वक्त हमारे पास स्वीट में बुसबुसा है विद चीज़, और अभी यहाँ पर चल रही है गपशप और कावा चल रहा है, वहाँ पे कॉफ़ी तैयार हो रही है लाइव। ये देखें जी कॉफ़ी को ब्लेंड कर रहे हैं। And this is American coffee. Okay, this is American coffee. सब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, अपनी अपनी पसंद की कॉफियां तैयार हो रही हैं। अदर एक्सप्रेसो, कॉफी एक्सप्रेसो। चलें जी हम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और केक खाते हैं। जी आज का दिन यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, और अफ्तारी हमने की, इसके बाद लंबा सेशन हुआ गपशप का, चाय शाय पी, कहवा पिया, फिर ब्लैक कॉफ़ी पी, फिर चाय पी। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं सारे, हम भी अपना सामान समेट रहे हैं और घर की तरफ सफ़र करते हैं। उम्मीद है आपको साइकिल राइडिंग
आज की पसंद आई होगी। बहुत कुछ तो देखने को नहीं मिला होगा आपको, ज़ाहिर है छोटा सा ट्रैक था, लेकिन कुछ डिफरेंट मिला होगा आपको देखने को। और उम्मीद है ये आज का दिन आपको, आज का व्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ सजेशन दें, और सजेशन दें तो इंशाल्लाह हो सकता है और अच्छा काम करें और अच्छी चीज़ें आपको दिखाएं। चलें जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।